हाय। बाय द वे, तुमने जो मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी फोटो डाली थी उससे काफी अलग हो तुम। एक्चुअली वो फोटो मैंने फैमिली फंक्शन में क्लिक करवाई थी। ओह, फैमिली फंक्शन, नाइस। वैसे तुम ये इंडियन ड्रेसेस ही रोज पहनती हो? आई मीन ये सूट साड़ी एटसेट्रा। या आई लाइक एथनिक ड्रेसेस। ओके, बाय द वे आई लाइक गर्ल्स इन वेस्टर्न ड्रेसेस, यू नो, बॉडी सूट्स, जीन्स एंड क्रॉप टॉप्स, तुम्हें भी पहननी चाहिए, यू लुक गुड। आई मीन ये इंडियन ड्रेसेस आजकल कौन पहनता है? हमारे बाप दादाओं के जमाने में पहनते थे यार लोग। वैसे पार्टीज तो करती हो तुम? हाँ, फैमिली के साथ। व्हाट, काफी ओल्ड स्कूल हो यार तुम। एनीवेज, व्हाट विल यू हैव? स्कॉच, वोडका? नो, फाइन, आई डोंट ड्रिंक। व्हाट, तुम ड्रिंक भी नहीं करती? कितनी भेंडी टाइप की हो यार तुम। क्या हुआ, तुम थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही हो? I mean, of course, इंडियन ड्रेसेस पहनने में थोड़ी तकलीफ तो होती होगी। थोड़ी बहुत। I can't mind. It's okay, it's okay. Don't be sad. तुम बहुत अच्छी हो, but तुम मेरे टाइप की नहीं हो। You know, I always wanted a girl जो थोड़ी ओपन माइंडेड हो, चिल हो, but you're just opposite. तो अगर मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूं, ओपन माइंडेड रहूं, चिल करूं, ड्रिंक करूं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे शादी करने में? Of course not. Then you'll be perfect for me. फिर क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? I mean, you are beautiful. You just need some style. अगर तुम ये सब चेंज करने को तैयार हो तो it's well and good. Okay, I'm ready to change myself. और वैसे भी तुम जैसा लड़का मुझे और कहाँ मिलेगा? Of course. वैसे तुम जैसा चाहते हो मैं वैसे बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी। तुम्हारा जो भी क्राइटेरिया मैं फॉलो कर लूंगी, पर मेरी एक विश है। या प्लीज टेल मी। तुम मेरे लिए फुल बियर्ड ग्रो कर सकते हो? एक्चुअली ना, आई रियली लाइक मेन इन बियर्ड। मेरे को ना हमेशा से था कि मेरे हस्बैंड की ना फुल बियर्ड हो। तो तुम मेरे लिए फुल बियर्ड ग्रो कर सकते हो? क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, पूजा से पू बन रही हूँ, तुम मेरे लिए बियर्ड ग्रो नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, बट तुम्हें बियर्ड आती तो है ना? आती है का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स आती है, बट ज्यादा नहीं आती। तुम्हें बियर्ड नहीं आती? अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? I'm sorry, लेकिन लड़कों को तो बियर्ड आती है ना, वो इंडिया में एक स्लैंग है ना, दाढ़ी और मूछ मर्दों की शान होती है। एक मिनट, तुम कहीं क्या बकवास कर रही हो तुम? Of course I'm a man. एक मिनट, तुम्हारा कहीं हार्मोनल इंबैलेंस तो नहीं है? कहीं तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन ज्यादा? मेरे पास ना एक डॉक्टर का कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो तुम्हारा हार्मोनल बिल्कुल बैलेंस कर देंगे। मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे में कोई हार्मोनल इंबैलेंस नहीं है, ना ही मुझे बियर्ड चाहिए। आई लुक गुड विदाउट बियर्ड। तुम्हें बियर्ड नहीं चाहिए? कितनी जजमेंटल लड़की हो यार तुम। जब से मैंने बताया कि मुझे बियर्ड नहीं आती, तब से बकवास करने जा रही हो, मेरा मजाक बना रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी छोटे सोच की और इतनी जजमेंटल लड़की हो, तो मैं तो यहाँ तुमसे मिलने ही ना आता। शादी तो बहुत दूर की बात है। जब खुद पर आती है ना, तो सबकी जलती है। तुम लड़कों की वजह से हम लड़कियां कितना इनसिक्योर फील करती हैं। अगर हम पतली हो जाएं, तो तुम हमें लकड़ी कहते, अगर हम मोटी हो जाएं, तो तुम हमें बैलून कहते, अगर हम वेस्टर्न कपड़े पहन ले तो तुम्हारे लिए प्रोस्टिट्यूट है, और यही अगर हम साड़ी सूट पहन ले तो तुम हमें बहनजी कहते। और क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। इस पूरी डेट में ना बस एक सेंसिबल चीज कही है तुमने मुझे, इवन आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू मैरी। क्या कहा था तुमने? यू आर अ मैन? नो, यू आर नॉट अ मैन, जस्ट नॉट बिकॉज यू डोंट हैव बियर्ड, because you don't know how to respect someone else's value and emotion. Real men never judges people. Understand that? हाँ, वो मेरे पास डॉक्टर का कॉन्टैक्ट है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, शायद तुम्हारी बियर्ड आ जाए।
अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी न्यू ईयर।